हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्स मिंट बाय कमलेश। आज मैं सॉल्व करूंगा क्लास नाइन्थ के लिए मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1 to 4, मींस ऑल क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1 एनसीईआरटी बुक से। चैप्टर है नंबर सिस्टम्स। आई होप यू विल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक्स। इज जीरो ए रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू? तो इसका जवाब होगा यस। Yes, zero is a rational number because it can be written in the form of P by Q, where Q is not equal to zero. For example, zero will be equal to 0 by 1, 0 by 2, 0 by -1, 0 by -2, and likewise. राइट, जीरो को हम 0 by 1, 0 by 2, 0 by -1, 0 by -2, 0 by any number हम लिख सकते हैं। इसका वैल्यू जीरो के बराबर ही होगा। एंड हियर पी इज इक्वल टू 0 एंड क्यू इज इक्वल टू 1, 2, -1, -2 एटसेट्रा, व्हिच आर not equal to zero. These are the condition. यही condition है इसमें। इसलिए zero को हम क्या लिख सकते हैं, zero को rational number मान सकते हैं। Because zero is a rational number, it can be written in the form of P by Q. Rational number किसको कहते हैं? Question में भी दिया हुआ, can you write it in the form of P by Q? तो because it can be written in the form of P by Q, where Q is not zero. For example, 0 is equal to 0 by 1, 0 by 2, and so on. And here P is equal to 0 in all cases, and Q is equal to 1, 2, minus 1, minus 2, etc., which is not equal to 0. This will be its answer. Okay? Question 2. Find 6 rational numbers between 3 and 4. जब हमको 6 rational number find करना है, तो 6 से ज़्यादे किसी भी number से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, और उससे मेरा उसके बीच का रेशनल नंबर भी निकल जाएगा। किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है, ऐसे ही 3 and 4 के बीच में भी इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकता है, होगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 3 कैन बी रिटेन एज 3 by 1 इफ़ वी शैल मल्टीप्लाई इट by 10 by 10, it will be 30 by 10. 4 can be written as 4 by 1 into 10 by 10. It will be 40 by 10. इसमें हम क्या देखते हैं कि 30 और 40 के बीच में 9 नंबर्स आ सकता है, गैप है इसके बीच में, तो कोई भी हम नंबर ले सकते हैं। इसलिए कोई भी नंबर हम 10 से इसलिए मल्टीप्लाई किए हैं, एनी नंबर मोर देन 6, एनी नंबर ग्रेटर देन 6 वी कैन मल्टीप्लाई। वी कैन मल्टीप्लाई बाय 7 ऑल्सो, 7 by 7, 9 by 9, 10 by 10, 100 by 100, एनी नंबर यू कैन मल्टीप्लाई फॉर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, देन देयर विल बी नो चेंज इन द वैल्यू। सो मल्टीप्लाई बोथ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय एनी नंबर ग्रेटर देन, एनी नंबर ग्रेटर देन 6, क्योंकि 6 रेशनल नंबर हमको निकालना है, तो किसी भी 6 से ज़्यादा हम मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से भी कर सकते हैं, 100 से भी कर सकते हैं, 9 से भी कर सकते हैं, 7 से भी मिनिमम कर सकते हैं। तो इसको कर दिया, तो अब इसके बीच में लिख देंगे
सिक्स रेशनल नंबर्स बिटवीन थ्री एंड फोर आर, इसके बीच में कोई भी नंबर डाल देंगे, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, ये हो गया सिक्स नंबर्स हो गया। और इसमें कोई भी सेट हो सकता है, अगर हम अलग अलग चीज़ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को, तो इसके बीच का नंबर कुछ और हो सकता है। सो देयर कैन बी अदर सेट्स ऑफ रेशनल नंबर्स ऑल्सो बिटवीन थ्री एंड फोर, अदर सेट्स भी आंसर थ्री एंड फोर के बीच में हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि यही आंसर हो। ये भी आंसर सही है, अगर दूसरे नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी आंसर सही होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 5 है तो हमको मोर देन 5 से किसी को भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना है। तो लिख सकते हैं 3/5 कैन बी रिटन एज 3/5 इंटू 10/10, सो दिस विल कम टू 30/50। अगेन 4/5 इक्वल टू 4/5 इंटू 10/10, दिस विल कम टू 40/50। सो देर आर मेनी नंबर्स, रेशनल नंबर्स बिटवीन 30/50 एंड 40/50। सो फाइव रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। ऐसे ही इसका और भी सेट आंसर हो सकता है, अगर मल्टीप्लीकेशन हम अलग अलग नंबर से करेंगे अलग अलग आंसर होगा। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन है, जो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। एवरी नंबर इज ए होल नंबर। अब होल नंबर और नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर है, होल नंबर आप जानते ही होंगे, जीरो से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर है, ये स्टार्ट होता है 1 से, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो इसमें हम क्या पाते हैं कि होल नंबर में ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूड है, मीन्स 1, 2, 3, 4 है, लेकिन नेचुरल नंबर में ऑल होल नंबर इंक्लूड नहीं है, मीन्स 0 इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो ऑल होल नंबर कैन नॉट बी नेचुरल नंबर, बट ऑल नेचुरल नंबर विल बी होल नंबर। ठीक है, अब इसी को हम देखते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ट्रू है और फॉल्स है, तो ट्रू है, क्यों, बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर, दीज आर नेचुरल नंबर्स, ये होल नंबर का मेंबर है, मीन्स ये इंक्लूड है, तो लिख देंगे ट्रू। तो इसमें लिख देंगे ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंक्लूडेड इन होल नंबर। ठीक है, सेकेंड है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, इंटीजर में भी निगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर ऑल्सो। इंटीजर्स कहते हैं किसको, इंटीजर्स ये हुआ 1, 2, 3, -1, -2, -7, दीज ऑल आर इंटीजर्स। सो इन होल नंबर व्हाट वी सी, हम क्या देखते हैं कि 1, 2, 3 तो है, लेकिन -1, 2, -7 ये सब नहीं है, मान निगेटिव नंबर्स इसमें नहीं है, तो इसको लिख देंगे फॉल्स। क्यों लिखेंगे, बिकॉज इंटीजर्स ऑल्सो इंक्लूड निगेटिव
numbers which natural numbers do not include, है ना, लाइक एग्जाम्पल -1, -3 एटसेट्रा आर नॉट होल नंबर, सॉरी होल नंबर, ठीक है, लिख देंगे एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर, ये फॉल्स है बिकॉज इंटीजर्स ऑल्सो इंक्लूड निगेटिव नंबर्स व्हिच होल नंबर्स do not include, example -1, -3 etc. are not whole numbers, ठीक है, every rational number is a whole number, every rational number is a whole number, ये भी गलत है, इसको भी लिख देंगे false, example 3 by 5, -3 by 7 etc. are rational numbers, but these are not whole number, ठीक है, whole number में fraction number, decimal number वगैरह नहीं आता है, इसलिए every rational number is a whole number, ये false है, example 3 by 5, -3 by 7 etc. are rational numbers, but these are not whole numbers, ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, थैंक्स।